तो मैंने ट्राई की थी और इतने डेस्परेटली मैंने वो ट्राई किया था ना कि मेरा कन्फर्म हो जाए बस। ये था। हाय गाइस, आई एम संतोषी और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या बोलते हैं कितने प्रेगनेंसी टेस्ट किए हैं अभी तक। और वैसे तो मैंने खूब सारे किए हैं क्योंकि मैं 2 साल से ट्राई कर रही थी, तो 2 साल में मैंने हर महीने किए, मैंने 12 मतलब 24 तो होते ही होते थे, लेकिन कुछ मैंने संभाल के रखे हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि मैंने कौन से महीने में कब कब ट्राई किया था। तो मुझे जहाँ तक याद है, और जब मैंने सोचा था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी का ब्लॉग शूट करूंगी और मैं वो सारी फीलिंग्स जो भी 9 महीने में मुझे आती है मैं उसके साथ उसका वीडियो शूट करूंगी और अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगी कि मेरी ये जर्नी कैसी रही है। क्योंकि आप सब महिला की, मतलब जितनी भी माँ बनती हैं औरतें, उन सबकी जो जर्नी होती है प्रेगनेंसी जर्नी और बेबी की जर्नी बहुत अलग अलग होती है, तो सबकी सेम नहीं होती है। क्योंकि आप कैसे भी कह लो कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी भले होती हो और सिजेरियन होते हैं, लेकिन जो माँ होती है ना वो बहुत अलग अलग फीलिंग्स के साथ आती है। ये मैंने सुना है कि सबके साथ ना एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। तो मैंने ये चाहा है कि मैं अपना जो प्रेगनेंसी ब्लॉग होगा उसे मैं शूट करूँगी और मैं चाहती हूँ कि वो जर्नी मुझे पता हो और लाइफ टाइम मेरे पास रखी हो। तो ये जो जर्नी होगी ये मेरी अपनी ले है और इसमें आपको हिस्सा बनना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, मैं शुरुआत करती हूँ। मुझे जहाँ तक याद है मैंने प्रेगनेंसी का कन्फर्मेशन सोचा था कि चाहे कुछ भी हो इस साल से, तो जनवरी से मैं ट्राई कर रही थी। मैंने इससे पहले बहुत बार ट्राई किया है, मैंने बताया है आपको, वो मैंने गुस्से में फेंक दिया था। मैंने कहा था क्योंकि उसको देख के ना मुझे बहुत नेगेटिविटी आ रही थी, तो मैंने कुछ भी संभाल के नहीं रखा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और कैसे कैसे मुझे कैसे कैसे महीने गुजरे हैं और मुझे कितनी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी है और मैं काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। तो शुरुआत करते हैं इस साल से। तो मैं इस साल से जनवरी से ट्राई करी थी, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो ये रखे रखे ना ख़राब हो गया है, तो बोलते हैं ना इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, मुझे याद है कि कौन सा प्रेगनेंसी किट। हाँ, ये ना मेरी किट है, इसमें मुझे याद है क्योंकि ये लास्ट के 3 तो मुझे याद है, ये इसी मंथ के हैं, ये बाकी के पिछले मंथ के हैं और इससे पहले के जो थे वो मैं फेंक दिया है। तो मैं बताती हूँ, ये लास्ट मंथ का है, ये है मार्च का, ये मार्च के टाइम का है और फरवरी में मैंने गुस्से में फेंक दिया था। फरवरी में मेरी 5 से 6 किट थी जो मैंने ट्राई की थी और इतने डेस्परेटली मैंने वो ट्राई किया था ना कि मेरा कन्फर्म हो जाए बस। ये था। दूसरा ये अप्रैल का है, ये मई का है और ये है जून का, ये जून का है, ये 1 तारीख का है ये वाला। तो मैंने 1 तारीख को ट्राई किया था और मैं आपको बताती हूँ मेरे जो पीरियड आए थे वो थे 22 तारीख को मई में, और 22 जून को 1 महीना कंप्लीट होता है। तो मेरे 10 दिन बाद ना मैंने ट्राई किया था, पर आप देख सकते हो इसमें ना ये हल्की सी लाइन है, ये हल्की सी लाइन है। तो मैं फिर भी श्योर नहीं थी कि ये कन्फर्म है कि नहीं है, तो मैंने ये सेकेंड टाइम ये ट्राई किया था। ये इसका वीडियो भी मैंने ब्लॉग डाल रखा है शॉर्ट्स में। तो ये मैंने ना शाम को जिस दिन मैं मार्केट गई मैं उसी टाइम लेके आई थी, ये मैंने 10 दिन बाद ट्राई किया था। ये 10 जून का है और ये देखो इसमें भी लाइन है लेकिन बहुत माइनर सी हल्की लाइन है। और ये है फाइनली वाला, ये है प्रेगा न्यूज़ का डिवाइस है और ये देखो ये लाइन कितनी अच्छी है। तो ये मैंने 3-4 दिन बाद वीडियो शूट करी इसलिए हल्की हो गई है, पर मैंने ना वो ट्राई करते हुए लाइव वीडियो टेस्ट बनाया है ब्लॉग, वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो मैं फाइनली बहुत खुशी हूँ जब से मेरा एक कन्फर्मेशन हुआ है, क्योंकि जब आप चाह रहे हो ना और तब वो मिल जाए तो उसकी अलग ही खुशी होती है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये डॉक्यूमेंट्री ब्लॉग रहेगा, मैं पर डे की वीडियो शूट करूँगी, मेरे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं चेहरे पे, मतलब क्या बॉडी में चेंज आ रहा है, मुझे कैसा महसूस हो रहा है और मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ, ये मैं वीडियो ब्लॉग बना रही हूँ।